ये तवी फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसका मेजर थीम तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स और इकोलॉजिकल कंसर्न्स ही है। तो हमें लगा कि हमें इस रीजन का कौन सा लैंडमार्क है जिसको जिसके साथ एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। तो चूंकि मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ, कार्यरत हूँ, और मेरे साथ मेरे कुछ शोधकर्ता और मेरे विद्यार्थी, हम एक टीम बना के इस एक प्रोजेक्ट हमने तैयार किया जिसका नाम हमने दिया तवी नदी कल और आज, रिवर तवी देन एंड नाउ। इस प्रोजेक्ट के तहत हमारा मकसद था कि इतिहास के पन्नों में झांका जाए और जो हमारी टेक्स्ट्स हैं, हमारी पुरानी टेक्स्ट्स हैं, जैसे नीलमत पुराण, राजतरंगिणी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, राजदर्शनी, और उसके बाद भी जो बाद में 20वीं शताब्दी में भी कुछ लेके गए, ये काम इतने पुराने हैं। हमें लगा कि इन कामों को खंगाला जाए, इनको स्टडी किया जाए और इनमें से जो इन्फॉर्मेशन निकले तवी नदी के बारे में, क्योंकि तवी नदी का जो वजूद है, उसका जो ऐसा एक उसका एग्जिस्टेंस है, वो आज का नहीं है। तो हिस्ट्री में इसको टेक्सचुलाइज और आर्टिकुलेट कैसे किया गया है, वो हमने एक शोधकर्ता के तौर पे हमने खोज की और हमें दिखाई दिया कि इस तवी का जिक्र 6ठी शताब्दी ईसा बाद नीलमत पुराण में ही मिलता है। और इस नदी की महत्वता इतनी थी कि एक एक नील जो ऋषि नील हैं, जिन्होंने नीलमत पुराण लिखी, वो कश्मीर में बैठे जम्मू रीजन के बारे में लिख रहे हैं। और दो ही नदियों का बहुत प्रोमिनेंट जिक्र आता है, एक तो तवी और दूसरी देविका। सो मुझे लगा कि इसको हमें और खंगालना चाहिए, उसी दृष्टि से ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया। और जम्मू के जो लोकल टेक्स्ट है, जैसे राजदर्शनी है जो कि 1847 के आसपास लिखी गई थी, उसमें भी हमें तवी नदी के बारे में और जो डोगरा रूलर्स थे गुलाब सिंह से लेके और उनके बाद वाले, सभी का उसमें जिक्र है और उन्होंने तवी नदी के आसपास क्या किया। और जो वो बड़ी फेमस एक स्टोरी है कि जम्बू लोचन ने जम्मू शहर बसाया और उसने जो वो शेर और बकरी का जो पूरा किस्सा है, वो पहली बार रिटर्न फॉर्म में हमें राजदर्शनी में मिलता है। एक तो वो हमने सोर्स यूज़ किया और दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट सोर्स था वो था कि आर्कियोलॉजी को खंगालना, जो एक्सकेवेशंस और एक्सप्लोरेशंस होती हैं, हमने उनकी रिपोर्ट्स खंगाली, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स खंगाली। उसमें हमें दिखा कि जम्मू नदी, जो जम्मू में ये तवी नदी है, इसमें ह्यूमन हैबिटेशन बहुत पहले से, जिसको हम कहते हैं पाषाण युग से थे, पैलियोलिथिक एज के यहाँ एविडेंसेस मिले हैं। यानी कि तवी नदी की जो महत्वता है वो आज की नहीं है, या जब हम इसका सोर्स में मिलता है तब से नहीं है। यहाँ ह्यूमन हैबिटेशन तब से है जब इंसान एक कम्युनिटी में नहीं रहता था, लेकिन एक फूड गैदरिंग स्टेज से फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज तक आया, तो जितने उसने टूल्स बनाए हैं तवी नदी के आसपास, हमें काफ़ी टूल्स मिले हैं, जैसे फ्लेक्स हो, स्क्रैपर्स हो, चिजल स्टोन टूल्स हो, ये सब दर्शाते हैं कि तवी नदी एक ह्यूमन हैबिटेशन और सेटलमेंट के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट और उसका बड़ा योगदान रहा है। तो ये तो इतिहास के पन्नों से खंगालना हुआ पूरी इसको। दूसरा पार्ट जो हमारी प्रेजेंटेशन का था, जिसमें मैं और मेरे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, वो ये था कि तवी नदी की जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू होती है और वो कहाँ तक आती है। और स्टोरी में सिर्फ ज्योग्राफी ट्रेस करना नहीं था, स्टोरी में ये भी ट्रेस करना था कि तब तवी नदी का अस्तित्व क्या था और आज उसका अस्तित्व क्या है। अस्तित्व तो अभी भी उसका वही है, उसकी धार्मिक महत्वता है, उसको हम उस दृष्टि से देखे जाते हैं जो हमारी प्रेजेंटेशन में हमने दिखाया कि तमाम तरह के रिचुअल्स वहाँ परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है आज, हमने उस पर भी थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश की है। खिलवाड़ जैसे कि देखिए, ये तो हम मानना ही पड़ेगा कि डेवलपमेंट जो है वो तो एक ग्राउंड रियलिटी है। अब जो हम रूरल से अर्बनिज्म की तरफ जा रहे हैं, शहरीकरण की तरफ जा रहे हैं, तो शहर बसेंगे, घर कंक्रीट बनेंगे, जिसको हम कहते हैं आज की कंक्रीट जंगल है, वो तो रियलिटी है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमने देखना है कि हम अपनी नदी के आसपास जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसको रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक, जिसको कहते हैं ना, एक हैप्पी ब्लेंड ऑफ नेचर, कल्चर, हिस्ट्री एंड अर्बनिज्म, इसको जो एक हैप्पी ब्लेंड है, एक एक इसका एक अच्छा मिश्रण जो हम बना सकते हैं कि सब चीज़ें साथ चले, लेकिन हमारे जो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे आने वाली जनरेशन है, हम उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। और मेरी प्रोजेक्ट में जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया, उसमें यही एक मेन मुद्दा था कि ये जो स्टूडेंट्स जब जुड़ेंगे, एक सेंस ऑफ रिलेटेडनेस आएगी उनमें,
तो ये हमारे सबसे बड़े फ्यूचर एम्बेसडर्स हैं, यही तवी नदी को आगे लेके जाएंगे। हमने एक जिसको कहते हैं हमने एक 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 दरवाज़ा हल्का सा खटखटाया है कि तवी नदी एक दौर में भी इम्पॉर्टेंट थी, वो किसी भी दौर में उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई, तो आज भी कम नहीं होनी चाहिए, आने वाले वक्त में भी कम नहीं होनी चाहिए। और जो उसका योगदान है उस योगदान को याद रखना होगा, उसके साथ छेड़छाड़ या खिलवाड़ करने से पहले हमने बहुत बार सोचना होगा। और उसके लिए सिर्फ हम लोग को गवर्नमेंट एनजीओस को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाना है, हमें एज एन इंडिविजुअल ऑफ अ पार्ट ऑफ द लार्जर कम्युनिटी, मेरा रोल क्या होगा, मैं क्योंकि एक इतिहास की छात्रा हूँ तो मैं उस दृष्टि से क्या कर सकती हूँ, एक आम आदमी जो नदी को रोज़ क्रॉस करता है उसका रोल क्या हो सकता है। हमको सबको इन्वॉल्व करना है कम्युनिटी के तौर पे, तो कहीं ना कहीं से एक आने वाली पोस्टेरिटी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए हमें नदी जैसे हमें मिली थी हमने वैसे ही छोड़नी है। तो ये पूरे प्रोजेक्ट जिसका नाम दिया गया तवी देन एंड नाउ का पूरा ये जो न्यूक्लियस है हमारा, इसका जो पूरा आइडिया है वो इसी के इर्द गिर्द, सेंट्रल आइडिया के इर्द गिर्द घूमता है।